अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप मुझे जानते हो, मैं कादर भाई का देखना है यूट्यूब पर। फिर से आदर। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं आरटी और क्रोनिफॉन के पिस्टन के बारे में, और इनके वाल के भी बारे में बात कर देंगे। तो सबसे पहले इसके पिस्टन के और बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी लाजमी बजाएं, ताकि आपके पास नए आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो खैर, स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं करते। तो इनके कीमतों के बारे में बात करेंगे और इनकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, कौन सी क्वालिटी अच्छी है और कौन सी क्वालिटी अपने हर क्वालिटी अपनी एक क्वालिटी रखती है। तो इसमें आरटी का क्या क्वालिटी और क्रोनलिफान क्या क्वालिटी है। क्रोनलिफान भी बुरा नहीं है और आरटी भी बुरा नहीं है, दोनों कंपनी बुरे नहीं है। और जो ज़्यादा बेस्ट है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दोनों पिस्टन किट है और दोनों सोराब का ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोनलिफान के बारे में। ये क्रोनलिफान का सोराब का 50 नंबर है और ये है आरटी का सीडी का 100 नंबर है। तो इन दोनों में क्या फर्क है और क्या क्वालिटी, हर कोई अपना हर कंपनी अपना ही क्वालिटी रखता है। तो आरटी के बारे में देखो, आरटी का जो आजकल नया आया हुआ है तो ज़्यादातर मैकेनिक इसको पसंद कर रहे हैं। और क्रोनलिफान का भी बुरा नहीं है, ज़्यादातर पहले आरटी से पहले मैकेनिक आज़ाद जितने भी थे वो क्रोन का ही इस्तेमाल कर रहे थे। तो आरटी के बारे में बात करते हैं, आरटी का जो पिस्टन का जो साइज़ है और जो इसका रनिंग है, जो इसमें चलने का जो रनिंग आता है, और जब हमने ज़्यादातर अपने कस्टमर हमारे पास आए, हम उनके बाइक में डाला है, उनके जो रिजल्ट आया हमारे पास बहुत काफ़ी अच्छे आया हुआ है। तो उसमें कोई भी शिकायत आज तक हमारे पास नहीं आया। तकरीबन हम अच्छा खासा टाइम हो रहा है हम इस्तेमाल कर रहे हैं जब से आया हुआ है। और इसे क्रोनलिफान के भी बारे में हमने शिकायत नहीं सुना है, मगर आजकल जो मौजूदा दौर पर शिकायत आ रहा है, शिकायत क्या आ रहा है, ज़्यादातर शिकायत ही आ रहा है कि जो बॉर्डर का माल आ रहा है ना, क्रोनलिफान को उसी में पैकिंग कर रहे हैं। तो पैकिंग की वजह से क्रोनलिफान में शिकायत बहुत आ रहा है। बकाया क्रोनलिफान का जो अपनी कंपनी है वो उसमें कोई भी शिकायत नहीं आया अभी तक। वाल के बारे में बात करते हैं, वाल के जो तो हम इसके वाल के बारे में बात करते हैं, आप खुद देखते हो स्क्रीन पे, आपको दोनों में से कौन सा शाइनिंग ज़्यादा, जिसमें शाइनिंग है, क्योंकि आरटी में शाइनिंग ज़्यादा है। और हमने अक्सर नए गाड़ियाँ खोले जिसपे डी क्यू लिखा होता है, जो नए गाड़ी बन के आते हैं ना शो कंपनी से, तो उसमें भी यही कंपनी का इस्तेमाल होता है, क्रोन का इस्तेमाल नहीं होता है। डी क्यू वाला आपने अक्सर नए गाड़ियाँ खोले होंगे जिसके एड, तो उसमें आपको यही वाल मिलेंगे जो आरटी आपको दे रहे हैं। और कीमत भी जो है ना क्रोनलिफान से कम है और कंपनी में बेस्ट है। वाल के बारे में